हाय गाइस, माय सेल्फ आशीष कुमार सिविल इंजीनियर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेलो सर। आज के वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। किसी भी स्टील बार का यूनिट वेट कैसे ज्ञात कीजिएगा। यूनिट वेट कहने का मतलब है कि आपका 1 मीटर में कितना वेट होगा, यानी कितना केजी वेट होगा, और 1 फुट में आपका कितना वेट होगा स्टील बार का। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड आपका डायर दिया हुआ हो 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, तो आप उसमें दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 1 मीटर का स्टील हो उसमें आपका कितना केजी आएगा, और सेकेंड आपका है कि आपका 1 फीट हो स्टील बार उसमें आपका कितना केजी आएगा। तो आइए हम ये फार्मूला बेसिस देखते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सर को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट है आपका केजी पर मीटर। जब हमको 1 मीटर के लिए निकालना हो लेंथ, यानी वेट 1 मीटर के लिए निकालना हो, इसके लिए फार्मूला आपका होता है फर्स्ट, यानी वेट बराबर आपका होता है, यूनिट वेट बराबर ये आपका होता है डी स्क्वायर गुने एल बटे 162, जहां डी जो है आपका डाया है स्टील बार का, यानी जो भी आपका स्टील बार होगा उसका डाया है आपका, जैसे आप देख रहे हैं डाया 8 mm, 10 mm इस टाइप से। एल जो है आपका लेंथ है, जो कि आपका 1 मीटर के लिए निकालेंगे, और बटे 162, ये फार्मूला में डी स्क्वायर एल बटे 162 है। सेकेंड हम देख रहे हैं केजी पर फुट में, इसके लिए हम फार्मूला देखते हैं। इसके लिए वेट बराबर आपका होता है डी स्क्वायर इंटू एल बटे 533, यानी यहाँ पे देख रहे हैं सेम चीज, डी आपका डाया हुआ, एल लेंथ हुआ जो आपका फीट में रहेगा, बटे 533। फर्स्ट मान लीजिए सपोर्टेड आपको 8 mm के लिए निकालना है, 8 mm के लिए 8 mm का रड है, और 1 मीटर बराबर कितना केजी होगा। हम देख रहे हैं कि 1 मीटर बराबर आपका इतना केजी आया, और 1 फुट बराबर आपका इतना कीजिए आया, ये आपका बिना तोले हुए कैसे आया, इस चीज को हम देखेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, वेट ये आपका जो रड है फर्स्ट 8 mm का, 8 mm के लिए W बराबर आप क्या कीजिएगा, डी स्क्वायर एल, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, अब एल आपका कितना है वैल्यू 1 है, बटे में क्या कीजिएगा 162। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपका आता है 0.395, इतना आपका क्या आएगा केजी, इतना आपका केजी आ गया। नेक्स्ट देखेंगे आपका इस फार्मूला बेसिस पे, यानी इसमें हम देखेंगे आपका 8 mm के लिए, mm के लिए 8 mm के डाया के लिए, इसके लिए W बराबर आप लिखिएगा D, D का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर कीजिएगा, और L आपका कितना है 1 फुट, यानी 1 बटे क्या कीजिएगा 533। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद डाटा क्या आएगा 0.124 kg, 0.124 kg। इसी टाइप से आप नेक्स्ट लिखिएगा, मान लीजिए सपोर्ट 16 mm का निकालना है, सेकेंड में हम देखते हैं 16 mm के लिए, 16 mm के लिए हम देखेंगे तो वेट बराबर आप क्या लिखिएगा 16 का स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि डाया आपका कितना है डी का वैल्यू 16 स्क्वायर इंटू एल, एल कितना है आपका 1, क्योंकि 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं, बटे 162। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद ये डाटा आएगा 16 mm के लिए, आप देख रहे हैं 1.58 kg, यानी ये आपका आ जाएगा 1.58। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेकेंड 16 mm के लिए इस फार्मूला बेस 16 mm के लिए, तो आप W बराबर क्या कीजिएगा 16 का स्क्वायर इंटू 1, 1 क्या है आपका 1 फुट है, अब बटे में कितना 533। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद ये डाटा आपका आएगा 0.480 kg, ये क्या आएगा केजी। तो हम इस टाइप से किसी भी डाया का स्टील बार का जिसका डाया दिया हो तो हम बिना तोले उसका वजन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप इस टेबल में देख रहे हैं एक साइड डाया दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है वेट दिया हुआ है कि 1 मीटर में आपका इस टाइप से डाया रहेगा तो उसका वेट कितना होगा, और ये वेट जो दिया हुआ है 1 फुट में आपका वेट कितना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 mm, 10 mm का डाया है, तो 1 मीटर में आपका 0.617 kg आएगा, और 1 फुट में आपका कितना आएगा 0.1। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टाइप से इस फार्मूला पे से किसी भी स्टील बार का हम वेट ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, और यदि आपको ज्यादा मीटर का निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो एल है यहाँ का आप एक्स्ट्रा लेंथ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रड आपका जो स्टील बार होता है 12 मीटर का होता है, तो 12 मीटर के लिए आपको निकालना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं डी के स्क्वायर कीजिएगा, यानी डाय का स्क्वायर गुणे एल आप कितना लीजिएगा 12 मीटर, बटे क्या कीजिएगा 162, आप इस टाइप से निकाल सकते हैं।